आपके होने वाले मुख्यमंत्री कहें कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है, आप उत्तर प्रदेश के लोगों पर बार बार प्रहार करें, आपके सहयोगी दल उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करें और आपके होंठ सिले रहें, ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की चुप्पी जरूरी है? क्यों नहीं बोल रहे? क्या सुन गया है? क्यों होंठ सिल गए हैं? क्या ये षड्यंत्र कांग्रेस के मुख्यालय पर लड़ा गया या इनकी जो गठबंधन की बैठक होनी थी इंडी अलायंस की, जो गमटिया गठबंधन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये अशोभनीय अपमानजनक टिप्पणियां जो कांग्रेस के सहयोगी दल कर रहे हैं उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? आए दिन नीचा दिखाने का काम क्यों किया जा रहा है सनातन धर्म को, हिंदू को और हिंदी को? कन्हैया लाल का सिर कटने के बाद धड़ से उसके बावजूद राहुल गांधी चुप क्यों रहे? और मैं तो कहना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से कि आदि गुरु शंकराचार्य जी आते तो दक्षिण भारत से थे लेकिन पूरे देश के चारों कोनों में भ्रमण भी किया और उनका योगदान देश नहीं भुला सकता है। उनका कार्य क्षेत्र समस्त भारत था और यहां तक कि उन्हें पूरे भारत में भ्रमण करके वेद का प्रसार किया और दिग्विजयी हुए। और यही नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म को अगर प्रचार प्रसार करने का अगर किसी ने शुरुआत की थी तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी, तो क्या उससे भी सहमत नहीं है? दूसरा, महात्मा गांधी जी गौ सेवा तो उन्होंने भी की थी, तो क्या गांधी जी के विचारों को भी मिटाने का काम कर दिया? सनातन धर्म और भारत की संस्कृति, इसको तो आगे बढ़ाने का और इसको पहचान, इसको जानने का काम तो महात्मा गांधी जी ने भी किया था। और दूसरी बड़ी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने हमें संविधान दिया, कांग्रेस ने उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पार्टी से निकाला भी, चुनाव हराने के लिए पूरे हर तरह के षड्यंत्र भी रचे, क्या भारत का संविधान ये जो अपमानजनक टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनके सहयोगी दल कर रहे हैं, पीछे से खड़े कांग्रेस पार्टी के लोग अपने सहयोगी दलों को और अपने नेताओं को ऐसे ऐसे नोट बनाकर देते हैं जिसको लेकर भारत को बांटने का बीज कांग्रेस के सहयोगी दल बो रहे हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच को कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बल दे रहे हैं। अपनी हार से सीखने की बजाय हिंदू, हिंदी और सनातन धर्म का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं हट रहे। ये अहंकार नहीं तो और क्या है? ये घमंड नहीं तो और क्या है? मैं इतना ही कहूंगा, ये विभाजन की साजिश और ये क्षेत्रवाद की राजनीति, एक के बाद दूसरा बयान जाति से लेकर क्षेत्रवाद का, ये कांग्रेस की सही सोच को दिखाता है कि बांटो और राज करो, भारत की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान करो, हिंदू और हिंदियों दोनों का अपमान करो, तिरस्कार करो। और मेरा सीधा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से है कि क्या उनका आशीर्वाद ये कांग्रेस के नेता और इनके सहयोगी दलों को नहीं है जो आज भारत को बांटने का बीज बो रहे हैं, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, जो हिंदू और हिंदी के खिलाफ लगातार इनके बयान और इनकी सोच चल रही है? क्या जातिवाद क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल नहीं कर रहे हैं?